हेलो गाइस एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल मस्ती वाइडवी। टुडे आज मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोमैक्स का Q338 को फ्लैशिंग कैसे करेंगे। इसके लिए हमें जो सबसे पहले जो चाहिए सामान वो है ये, जो कि मेरे डाउनलोड में पड़ा हुआ है। आप इसे कहीं भी डाल सकते हैं, बस ध्यान रहे जो आपका सेटअप है उसे आप उसमें ही डालेंगे। तो ये मेरी माइक्रोमैक्स Q338 की फाइल है। इसको हमें एक्सट्रैक्ट करेंगे। फाइल को कहाँ पे करना है? हमें एक्सट्रैक्ट फाइल हमें डेस्कटॉप पे करनी है। तो डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओके ओके के बाद ये हमारी फाइल आ रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं अभी कि मेरी जो फाइल है वो अनलोड हो रही है, यानी कि बाहर आ रही है फाइल। जैसे मेरी फाइल बाहर आएगी उसके बाद हमें आगे का प्रोसेस चालू करना है। तो ये मेरा फ़ोन है माइक्रोमैक्स का Q338, जिसके बाद फ्लैशिंग करना सिखाऊंगा आपको कि इसकी फ्लैशिंग कैसे करते हैं। और जो इसके लिए मेन चीज़ है वो है आपकी USB केबल, जो कि आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपकी ओरिजिनल केबल है तो ही आप ढंग से वर्क कर पाएंगे इसके, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि मेरी फाइल आ गई है। अब जो माइक्रोमैक्स Q338 है इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है, ये चाइना फ़ोन है, मेड इन चाइना है ये। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर टूल और फाइल किस नाम से आई है। तो जो मेरी फाइल है वो आई है इसके अंदर टूल जो दिया गया मुझे, SP फ्लैश टूल दिया गया, जो कि ये रहा, और एक फर्मवेयर फाइल दे रखी है जिसमें कि आपका स्कैटर फाइल हुआ। हम पहले सबसे पहले SP फ्लैश टूल खोलेंगे। ये इसके अंदर फ्लैश टूल है। जैसे ही हम फ्लैश टूल को ओपन करेंगे तो हमारी ये स्क्रीन आएगी हमारे सामने। हमें कुछ नहीं करना, स्कैटर लोडिंग पे क्लिक करना है हमें यहाँ पे। जैसे ही हम स्कैटर लोडिंग पे क्लिक करते हैं ये फाइल खुलती है। जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी है वहाँ पे हमें जाना है, उसे ओपन करना है। उसके बाद उसके फर्मवेयर के अंदर जाना है। फर्मवेयर के अंदर स्कैटर, यानी कि स्कैटर जो है ये MTK की पहचान है। जैसे ही आपकी फाइल लोड हो गई, यहाँ पर डाउनलोड ओनली पे क्लिक करेंगे। अगर डाउनलोड ओनली है तो उसे रहने देंगे और फिर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन को USB केबल से अटैच करना है। फ़ोन को USB केबल से अटैच कर ले। अटैच करने के बाद जैसे हमने वहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर रखा है, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ नहीं करना। अब हमें करना सिर्फ इतना है कि इसका वॉल्यूम बटन, इसको हमें कनेक्ट करना है बस कंप्यूटर के साथ अपने। जैसे ही हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर इंस्टॉलिंग ड्राइवर होने लगेंगे और ये फ्लैशिंग चालू होगी आपकी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि डाउनलोड फ्लैश भी आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन एक, ये रहा डाउनलोड फ्लैश, जो कि अभी 1% है, ये 100% से जाएगी। उसके बाद इसे 100% होने के बाद आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो गाइस ध्यान रहे, अगर ये केबल हिल गई तो आपका सेट डेड हो भी सकता है। और ये भी ध्यान रहे कि 99% चांसेस सेट डेड होने के होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर आपकी केबल ओरिजिनल नहीं अगर आपकी केबल ओरिजिनल नहीं हुई या आपकी जैक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पहले उसे क्लीन करें। अगर कोई एरर आता है तो वो भी आप बताएं मुझे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, और मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगली बार आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं दे दूं। एंड गाइस जैसे ही ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो, जैसे अभी 26% 25% हुई है, ये कंप्लीट होगी। SP फ्लैश टूल का हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करना है। और इसमें चाइना के अंदर क्या दो प्रकार के CPU होते हैं, एक MTK और एक SPD, और तीसरा होता है क्वालकम, यानी कि 3 CPU। क्वालकम तो बहुत रेयर केस में पाया जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं MTK और SPD। इस चीज़ का ध्यान रहें, SPD और MTK। MTK के लिए है SP फ्लैश टूल, और SPD CPU के लिए अपग्रेड फ्लैश टूल। तो गाइस अभी हम जैसे ही हमारा ये फ्लैश कंप्लीट होता है, जो कि अभी 42% के करीब हो चुका है, अब जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद मैं अपने फ़ोन को निकालूंगा और उसकी बैटरी को रिमूव करूंगा। बैटरी रिमूव करने के बाद उसे दोबारा अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद ही ये फ़ोन ऑन करना है। बिना बैटरी के निकालने, अगर एक बार फ्लैश हो चुका है तो उसे प्लीज़ बैटरी निकाल दें,
क्योंकि अगर बैटरी नहीं निकाली तो ये भी हो सकता है कि वो सेट डेड भी हो सकता है, चांसेस डेड होने के हो जाएंगे। एंड गाइस अभी इसमें FRP लॉक पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, हमें नहीं पता इस बार में, क्योंकि ये मेरी शॉप पर सिर्फ ये फ़ोन आया हुआ है जिसे मैं रिपेयर कर रहा हूँ अभी। जैसे कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ का आपके आपको बता रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो, जिससे कि मुझे पता लगे कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं या मेरी जो जो गलतियाँ हैं मैं उसे सुधार सकूँ। सुधारूँ तो कैसे सुधारूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको अगली बार और अच्छी वीडियो दूँ। गाइस मेरा फर्स्ट टाइम है, अभी तक मैं वीडियोस जो होता था वैसे बना निकालता था, जो कि किसी की बनी हुई होती थी या फिर जैसे यूट्यूब पे डल दी या कोई भी उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल देता था। लेकिन अब मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो गाइस प्लीज़ मेरे को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। गाइस कमेंट सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, पर मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मुझे बताएं, अगर आपको बेकार लगी हो तो भी मुझे बताएं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ गाइस कि मैं वीडियोस कैसी और किस टाइप की वीडियोस बना रहा हूँ, कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें वीडियो मेरी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, ये मेरे लिए मेन है। अगर मेरे व्यूअर्स को वीडियो पसंद आई तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो जैसे ही गाइस देख सकते हैं डाउनलोड ओके का वो ऑप्शन भी आ गया है और ये 100% भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा फ़ोन है, हमें इस फ़ोन को पहले निकालना है। अब इसके बाद निकालने के बाद हमें इसकी बैटरी निकालनी है बाहर। तो गाइस अभी मेरे पे कोई कैमरा पकड़ने के लिए है नहीं, तो इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ा ये काम। तो गाइस बैटरी निकाल चुका हूँ मैं, आपको कुछ नहीं करना। गाइस इसकी ना बैटरी में थोड़ी दिक्कत है, ये थोड़ा वैसे है। तो हमने क्या करा है, इसकी बैटरी को निकाल के सिर्फ दोबारा लगाया और इसे कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद हम इसे ऑन करेंगे। अब गाइस जैसा आप देख रहे हैं ये फ़ोन ऑन हो चुका है, पावर बाय एंड्रॉयड फ़ोन है ये, एंड्रॉयड वर्जन फ़ोन है एक। अब हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। माइक्रोमैक्स कंपनी का ये सेट है जिसका नाम है माइक्रोमैक्स बोल्ट। अब पावर बाय एंड्रॉयड गैंड गाइस ये स्टार्ट होने में 30 मिनट तक ले सकता है, यानी कि 30 मिनट तक। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये कैसे हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं माइक्रोमैक्स का बोल्ट है, अगर ये 30 मिनट बाद भी स्टार्ट नहीं होता सेट अच्छी तरह से, तो आप इसे दोबारा फ्लैशिंग करेंगे। और गाइस ध्यान रहे, प्लीज़ ध्यान रहे कि आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो भी बताएं, बेकार लगी है तो भी बताएं, मुझे क्या क्या अपने अंदर सुधार करने चाहिए मुझे ये भी बताएं। एंड गाइस मैं ये भी जानता हूँ मैं कि मेरी वॉइस जो है वो बहुत बेकार है अभी। एक्चुअली मुझे बुखार भी हो रखा है और ज़ुकाम भी मेरे को हो रखा है, तो इस वजह से मेरे खांसी भी आ रही है, तो कभी कभार मैं चुप भी होता हूँ। तो गाइस प्लीज़ ध्यान रहें, जैसे कि ये ऑन हो रहा है अभी तो आप देखते रहें। तो मैं आपको ये भी बताऊँगा अगर इसमें FRP लॉक लगा तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे, किस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। अगर गाइस आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मुझे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैं आपकी कमेंट का जवाब आपको दूंगा विद इन 1 आवर। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं कि ये टाइम बहुत ले रहा है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल बात है, फ्लैशिंग के बाद ये आधे घंटे तक का वक्त ले सकता है। अगर आधे घंटे बाद भी ऑन नहीं होता है तो हम जो ध्यान दोबारा से कोशिश करके देखेंगे कि ये ऑन होगा या नहीं होगा। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं 9 मिनट 38 सेकंड की ये 40 सेकंड की ये वीडियो हो चुकी है, पर ये जो है फ़ोन अब तक चालू नहीं हुआ है। तो गाइस हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना करना है थोड़ा सा वेट, और वेट करने के बाद फ़ोन को दोबारा ऑन।
तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं ये फ़ोन आगे बढ़ चुका है। अब मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा तो सबसे पहले इसके यहाँ पे क्लिक, इसके बाद यहाँ पे स्किप। अब ये देखिए यहाँ पे स्किप का ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर FRP लॉक नहीं लगा। अगर FRP लॉक लगा होता तो ये स्किप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है। स्किप एनीवे, नेक्स्ट नेक्स्ट, स्किप स्किप एनीवे, मोर, नेक्स्ट। अब ये मेरे से अगर आप लैंग्वेज सेट करिए अपनी, तो हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश करते हैं हम लोग। उसके बाद नो, और ये गाइस आपका फ़ोन ऑन हो चुका है। ओके गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ है सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड कमेंट आल्सो गाइस, क्योंकि आपके कमेंट के बिना मैं अधूरा हूँ, आपके कमेंट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।